स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और श्रीलंका की वुमन टीम के बीच आज पहला टी20 मुकाबला खेला जा रहा है। इस टी20 मुकाबले की लाइव अपडेट तो हम आपको इस वीडियो में देंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप भी इस मुकाबले को कैसे बिल्कुल फ्री में पूरा लाइव देख सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर रही है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करके शानदार जीत दर्ज करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि महिला क्रिकेट टीम में भारतीय टीम की तरफ से आपकी फेवरेट प्लेयर कौन सा है, हमें अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की तो यह मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला है। दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जानी है। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, तो वहीं पर श्रीलंका की तरफ से चमारी अट्टापट्टू इस टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएगी। श्रीलंका की धरती पर सभी 3 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला टी20 मुकाबला आज खेला जाना है। तो दोस्तों हम बात करें भारतीय टीम की तरफ से कि आज के मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ सकते हैं, तो टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाजी की। दोनों टीम के लिए काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकती हैं। ऐसे में यहाँ पर नंबर 3 पर जमाइमा रोड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करती हुई दिखेगी, तो इन्हें भी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। गेंदबाजी की हम बात करें तो टीम इंडिया के पास पूजा वस्त्रकर, राजेश्वरी गायकवाड़, मेघना सिंह और रेणुका सिंह के साथ साथ सिमरन बहादुर भी मौजूद है, जो काफी शानदार गेंदबाजी करके दिखा सकती है। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया की इस टीम में कई ऐसे शानदार प्लेयर है जो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों श्रीलंका की टीम की हम बात करें तो इस टीम के पास भी चमारी अट्टापट्टू, असिनी परेरा, अर्षिता समर विक्रमा जैसे खिलाड़ी मौजूद है जो शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वहीं पर गेंदबाजी में भी इस टीम के पास इनोका रणवीरा, असीमा करुणारत्ने जैसे शानदार गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिरकार टीम इंडिया की तरफ से कौन से 11 खिलाड़ी आज के मुकाबले में मैदान पर उतर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो टीम इंडिया के पास तो कई शानदार प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगी स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। दोनों बल्लेबाज यहां पर टीम के लिए काफी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। टी20 में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए दोनों खिलाड़ी जानी जाती हैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हम बात करें नंबर 3 की तो यहां पर हमें खेलती हुई नजर आएगी यस्तिका पाटिया, जो कि टीम की विकेट कीपर रहने वाली है। तो नंबर 4 पर हमें हरमनप्रीत कौर दिखेगी। वहीं पर नंबर 5 पर जमेमा रोड्रिक्स खेलती हुई नजर आएगी। तो नंबर 6 पर दीप्ति शर्मा उतरेगी, जो कि इस टीम के लिए ऑलराउंडर का रोल निभाती हुई नजर आएगी। वहीं पर नंबर 7 पर रेणुका सिंह, तो नंबर 8 पर सिमरन बहादुर खेलती हुई नजर आएगी। नंबर 9 पर पूनम यादव उतरेगी, तो नंबर 10 पर पूजा वस्त्रकर व नंबर 11 पर राजेश्वरी गायकवाड़ हमें खेलती हुई नजर आएगी। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया की काफी शानदार प्लेइंग 11 नजर आ रही है। वहीं पर अब हम बात करते हैं ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और आप इसे कैसे लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2 बजे। आप इस मुकाबले को लाइव देख सकेंगे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर, इसे लाइव देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले को इंडिया में कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं मिला है अब तक, जिसके चलते श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उनके यूट्यूब चैनल पर इसे लाइव करने का फैसला लिया है। तो आप इसे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव देख सकेंगे बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।